गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 का नया टॉपिक जिसका नाम है मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र जिसका नाम है उत्सर्जन का मतलब, यहाँ पे उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में, हमारे शरीर में जो अनावश्यक हानिकारक जो पदार्थ बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर उत्सर्जित करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं हम उत्सर्जन। और उत्सर्जन की जो क्रिया है जिस तंत्र के द्वारा होती है उसे कहते हैं उत्सर्जन। वैसे तो अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में उत्सर्जन की क्रिया कई तरह से होती है, लेकिन मुख्य जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होती है। पसीना जब हमें आता है, पसीना आता है तो पसीने के द्वारा कई तरह के अनावश्यक पदार्थ है जो लवण है वो हमारे शरीर से बाहर जो है वो उत्सर्जित किए जाते हैं। अगर हम उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो आप लोगों ने किडनी नाम सुना होगा। मानव के शरीर में एक जोड़ी किडनी या हम कहें दो किडनियां होती हैं जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं। किडनी का जो मेन काम होता है वो होता है ब्लड को फिल्टर करना, और किडनी ब्लड को फिल्टर करती हैं यानी हम खाना खाते हैं उस खाने को पूरे शरीर में ब्लड ही पहुंचाता है, हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी ब्लड करता है। तो इस क्रिया में इसमें कई सारी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, और जब इसमें कई तरह की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं और ये अशुद्धियाँ बढ़ती जाएँ तो उसके बाद ये ऑक्सीजन है या भोज्य पदार्थों का परिवहन प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो ऐसी जो ये जो कंडीशन होती है तो इसके अंदर जो ब्लड होता है इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको फिल्टर करने का काम करती हैं किडनी। किडनी जो है रक्त को छानती हैं, अशुद्ध रक्त इसमें आता है और उसको फिल्टर करती हैं, जो कचरा होता है गंदगी होती है उसको अपने पास रख लेती हैं और बाकी ब्लड को फिल्टर करके वापस से बॉडी में भेज देती हैं। तो अगर हम उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो इस तरह से, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हमारे शरीर के अंदर इस तरह से दो किडनियाँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं, और यहाँ पे धमनी और सिराएं जो होती हैं, यहाँ पे आपको ये नली दिख रही है, ये एक तो इस तरफ जा रही है, दूसरी ये इस दूसरी किडनी में खुल रही है और आगे जाके ये दो या इससे ज़्यादा भागों में बढ़ जाती है। दूसरी एक इसके पास ही एक नली और आ रही है यहाँ पे, इसका एक सिरा इसमें खुल गया और इसका जो दूसरा सिरा है वो इसके अंदर आ गया, और इसके बाद ये जो है आगे जाके इस तरह से दो भागों में या इससे ज्यादा भागों में बट जाती है। इसके बाद किडनी से यहाँ से इस तरह से नलियां निकलती हैं, एक नली निकलती है जिसे हम कहते हैं मूत्र नली, ये यहाँ से इस तरह से निकलती हैं और एक थैलेनुमा संरचना के अंदर जाकर ये खुलती है, इसे कहते हैं मूत्राशय। इस तरह का प्रॉपर जो है हमारा उत्सर्जन तंत्र जो होता है इसमें ये एक जोड़ी किडनी होती है जिसे गुर्दे हम कहते हैं, एक जोड़ी किडनी होती है, और ये जो नलियाँ दिख रही हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं, जैसे मैंने हम आपको बताया हम सांस लेते हैं, कई तरह की गैसें हैं, हम खाना खाते हैं, कई तरह के अपशिष्ट पदार्थ हैं ये ब्लड में मिलते हैं और ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है किडनी। तो यहाँ पे आपको दो तरह की नलियाँ दिख रही है, एक में क्या होता है शरीर से अशुद्ध रक्त आता है, यहाँ आने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों किडनियों में चला जाता है। किडनी के अंदर कई तरह की छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिन्हें नेफ्रोन कहते हैं, इसके आगे की जो और संरचना है वो आप आगे की क्लासों में देखेंगे। तो यहाँ पे जो अशुद्ध रक्त है वो यहाँ से आता है और आके दोनों किडनियों में चला जाता है। अब ये किडनियाँ क्या करती हैं, इस ब्लड को फिल्टर करती हैं, फिल्टर करने का मतलब है इसमें जो अशुद्धियाँ हैं उनको तो छान लेंगी और शुद्ध रक्त को वापस दोनों किडनियों से शुद्ध रक्त दूसरी नली में चला जाता है और यहाँ से ये पूरी बॉडी में पहुंचता है। यानी एक से तो अशुद्ध रक्त आ रहा है दोनों किडनियों में चला जाएगा, किडनियां उसको फिल्टर करेंगी, फिल्टर ब्लड वापस इनमें आ जाएगा और बॉडी में चला जाएगा। अब यहाँ पे किडनी के अंदर जो अशुद्धियाँ यानी जो ब्लड है उसमें कई तरह के जो जैसे कुछ प्रोटीन है जो पचते नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होते, कुछ एमिनो एसिड होते हैं, कुछ कई तरह के और एसिड्स भी होते हैं, कई तरह के विटामिन भी होते हैं, तो कई तरह के अलग अलग पदार्थ होते हैं जिनका डाइजेशन नहीं होता, जो हमारे लिए किसी काम के नहीं होते, कई तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं जो कि ब्लड में होते हैं, ये सारे के सारे किडनी छान लेती है। और यहाँ पे छानने के बाद ये जो अपशिष्ट है इसे किडनी से ही आते हैं मूत्र नलिकाओं में और मूत्र नलिका से आकर इस मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाती है और समय समय पर इन्हें शरीर से बाहर जो है उत्सर्जित किया जाता है। तो यहाँ पे जो पूरा ओवरऑल हम उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे हैं तो जो उत्सर्जन तंत्र है इसका मेन काम होता है
हम इस मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करें, इसका मेन काम होता है ब्लड को छानना। यानी कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, अपने आस पड़ोस या परिवार में देखा होगा, जो डायलिसिस करवा के लाते हैं। डायलिसिस का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें हमारी बॉडी जो है उसमें किडनियाँ हैं वो काम नहीं करती। किडनी काम नहीं करेंगी तो ब्लड है उसको फिल्टर कोई नहीं करेगा। फिल्टर अगर ब्लड नहीं होगा तो ऑक्सीजन को प्रॉपर नहीं पहुँचा पाएगा, और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँचेगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और विदाउट एनर्जी हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कई बार जब किडनी खराब हो जाती है या किडनी कम काम करती है तो ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल में ले जाके कृत्रिम, इसको कहते हैं जो है रक्त ब्लड जो है इसको फिल्टर किया जाता है। तो क्या किया जाता है, एक पूरा बॉक्स लगा होता है, एक दो सिरिंज लगी होती है, एक सिरिंज से ब्लड बाहर आता है और उस बॉक्स में से गुजरता है, जैसे गुजरता है अशुद्धियां वहीं रोक ली जाती है, शुद्ध रक्त दूसरी सिरिंज से वापस जो है शरीर में चला जाता है। इस तरह से पूरा ब्लड जो है बॉडी का फिल्टर किया जाता है कृत्रिम रूप से। ये तभी होता है जब हमारी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है। एक चीज़ ध्यान रखें, जब हम अगर हम बात करें, जब हम तेज सांस लेते हैं, तेज दौड़ते हैं, भागते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जो है यहाँ पे किडनी जो है इन पर भी इफेक्ट होता है। किडनी जितना ब्लड जल्दी जल्दी सप्लाई होगा उतना जल्दी ही किडनी भी इनको फिल्टर करेगी, यानी किडनी पर भी प्रेशर पड़ता है इन चीज़ों का। और अगर हम बात करें किडनी की, तो हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी होती है और जो सेम का जो बीज होता है बिल्कुल इसके आकार की होती है। और अगर हम इसके अंदर बात करें, अगर किडनी को हम काटें तो इस तरह की संरचना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से पिरामिड के जैसे इसके अंदर संरचनाएं होती हैं और इनके अंदर एक जाल सा होता है पूरा का पूरा। इस तरह से पूरा का पूरा एक जाल सा होता है जो नेफ्रॉन जिनको कहते हैं, और ये कई तरह की नेफ्रॉन्स जो होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। और इसके जो नेफ्रॉन है, इसके मेडुला, ये इसके बारे में आप आगे की क्लासों में और पढ़ेंगे। तो इस तरह से मानव में उत्सर्जन का काम होता है। ये तो है हमारा मेन उत्सर्जन तंत्र, इसके मैं नाम बता देती हूँ। ये है किडनी, धमनी, सिरा, मूत्रनलिकाएं, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो ये उत्सर्जन तंत्र के मेन मेन भागों के नाम हैं, किस तरह से उत्सर्जन की क्रिया हो रही है ये आपको मैंने बता दिया। अगर हम अपनी और पेड़ पौधों की बात करें, तो जिस तरह से मानव में आपको उत्सर्जन बताया मैंने, उत्सर्जन की प्रक्रिया इस तरह से, इसके अलावा कुछ और भी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा जो हमारे लिए अनावश्यक या हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें हम बाहर निकालते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बनती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन की क्रिया द्वारा बाहर उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जन का मतलब ही होता है अनावश्यक हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो ये बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उत्सर्जन कहलाती है। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर मुक्त करते हैं, ये भी उत्सर्जन है। पसीना जब आता है तो कई तरह के लवण शरीर से बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। अब हम पेड़ पौधों की बात करें, जिस तरह से हमें उत्सर्जन होता है बिल्कुल वैसे ही पेड़ पौधों में भी अनावश्यक अपशिष्ट और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर त्यागा जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। किस तरह से करते हैं, इनमें कोई विशेष तंत्र नहीं होता। हम गोंद के लड्डू खाते हैं, अभी सर्दियां हैं, मम्मी ने गोंद के लड्डू बनाए हैं, आप सबने बहुत अच्छे से खाए हैं। तो जो गोंद होता है हमारे लिए तो उपयोगी है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए अनावश्यक हानिकारक होता है। तो ये अपनी छाल से इसे जो गोंद रेजिन जो होते हैं ये अपनी छाल से बाहर निकालते हैं। इनमें उत्सर्जन की एक प्रक्रिया है, कई जो वाष्पोत्सर्जन है ये जल को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया है। पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, इनमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है, तो रंध्रों के द्वारा ये गैसों को भी उत्सर्जित करते हैं। और इनके बारे में आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसे समझाइए। आपको डायग्राम बनाना है और ये पूरा तंत्र किस तरह से काम करता है आपको ये भी बताना है। थैंक यू।